गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ गीता ग्लोबल स्कूल। माय नेम इज सुरभि भारद्वाज, आई एम योर साइंस टीचर एंड दिस वीडियो इज़ फॉर क्लास 7 साइंस। इन आवर प्रीवियस क्लासेस वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर नंबर 13, सो नाउ वी विल स्टार्ट चैप्टर 14 विच इज़ इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट्स। यू माइट हैव ट्राइड द गेम हाउ स्टडी इज़ योर हैंड, आपने ये गेम ट्राई किया होगा। सजेस्टेड इन चैप्टर 12 ऑफ क्लास सिक्स में सजेस्ट किया हुआ था। इफ़ नॉट यू मे ट्राई इट आउट नाउ। पहेली एंड बूजो हैड ऑल्सो सेट अप द गेम बाय कनेक्टिंग एन इलेक्ट्रिक सर्किट एज सजेस्टेड इन क्लास 6। तो पहेली और बूजो उस चीज़ को ट्राई कर रहे थे। दे हैड लॉट्स ऑफ फन ट्राइंग इट आउट व्हेन देयर फैमिलीज एंड फ्रेंड्स। तो उन्होंने बहुत मज़े किए इस गेम को अपने फैमिली या फ्रेंड्स के साथ खेलते हुए। दे इंजॉयड इट सो मच दैट दे डिसाइडेड टू सजेस्ट इट टू अ कज़िन ऑफ देयर्स हु स्टेड इन अ डिफरेंट टाउन। उनको इसमें इतना मज़ा आया कि उन्होंने ये गेम अपने दूसरे शहर में रहने वाले कज़िन को भी सजेस्ट किया। सो पहेली मेड अ नीट ड्राइंग शोइंग हाउ द वेरियस इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स वर टू बी कनेक्टेड। तो पहेली ने एक बहुत अच्छी सी ड्राइंग बनाई जिसमें दिखाया हुआ था कि उसमें इलेक्ट्रिक करंट किस तरीके से कनेक्ट हो रहे थे। कैन यू ड्रॉ द सर्किट कन्वीनियंटली, क्या आप इसे कन्वीनियंटली बना सकते हो। इट मेड बूजो वंडर इफ देयर वॉज एन ईजियर वे टू रिप्रेजेंट दीज इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स। तो बूजो को लगा कि क्या कोई आसान तरीका है इस करंट को इन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करने का, कोई आसान और तरीका बूजो को चाहिए था। सो सिम्बल्स ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, सिम्बल क्या क्या होते हैं इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स के। सम कॉमन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सिम्बल, कुछ के सिम्बल होते हैं जो आपको इसमें दिखा रखे हैं टेबल में। सेल को ऐसे दिखाते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब का ये साइन, स्विच इज़ ऑन का, अगर स्विच ऑन है तो उसका ये साइन, ऑफ है तो ये साइन, बैटरी का ये साइन एंड वायर का ये वाला साइन। तो ये साइन होते हैं कंपोनेंट्स को दिखाने के। लुक एट द सिम्बल्स केयरफुली इन द सिम्बल फॉर इलेक्ट्रिक, इन द सिम्बल फॉर द इलेक्ट्रिक सेल, इलेक्ट्रिक सेल के सिम्बल में, मतलब इस वाले सिम्बल में, नोटिस दैट देयर इज़ अ लॉन्गर लाइन एंड अ शॉर्टर बट थिक पैरेलल लाइन। आपने ये नोटिस किया होगा कि जो इसमें दो लाइन है, एक पतली, एक लंबी और एक छोटी है, लेकिन लंबी वाली लाइन पतली है और छोटी वाली लाइन थोड़ी सी थिक है। डू यू रिकॉल दैट एन इलेक्ट्रिक सेल हैज़ अ पॉजिटिव टर्मिनल एंड अ नेगेटिव टर्मिनल। जो इलेक्ट्रिक सेल होता है उसमें दो टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इन द सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक सेल द लॉन्गर लाइन रिप्रेजेंट द पॉजिटिव टर्मिनल एंड थिकर शॉर्टर लाइन रिप्रेजेंट नेगेटिव टर्मिनल। तो सेल में जो ये लॉन्गर लाइन जो होती है वो पॉजिटिव टर्मिनल को शो करती है और शॉर्टर और थिकर लाइन नेगेटिव टर्मिनल को शो करती है। फॉर अ स्विच द ऑन पोजिशन एंड द ऑफ पोजिशन आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल एज शोन। इसमें ऑन और ऑफ का ये स्विच अगर कनेक्टेड है तो ऑन है, हटा हुआ है तो ऑफ है। इन टेबल 14.1 अ बैटरी एंड इट्स सिंबल आर ऑल्सो शोन, बैटरी का सिंबल भी दिखाया हुआ है। डू यू नो वॉट अ बैटरी, बैटरी क्या होती है। लुक एट द सिंबल ऑफ अ बैटरी, सिंबल देखो इसका। कैन यू मेक आउट ऑफ वॉट अ बैटरी कुड बी, तो क्या आप बता सकते हो बैटरी क्या होती है। फॉर सम ऑफ द एक्टिविटीज़ यू मे नीड मोर देन वन सेल, कई एक्टिविटीज़ में हमें एक से ज़्यादा सेल्स की ज़रूरत पड़ती है। सो वी कनेक्ट टू और मोर सेल्स टुगेदर एज शोन इन फिगर 14.2। तो हमें कई सारे सेल आपस में जोड़ने पड़ते हैं। Notice that the positive terminal of one cell is connected to the negative terminal of next cell. तो इसमें notice करो कि एक cell का positive terminal दूसरे के negative terminal से जुड़ा हुआ होता है। Such a combination of two or more cells is called battery. तो ऐसा ही combination जिसमें जो एक से ज़्यादा cell आपस में जुड़े हुए होते हैं, एक के negative से दूसरे का positive जुड़ा हुआ होता है, उसे क्या बोलते हैं, बैटरी बोलते हैं। मैनी डिवाइसेस सच एज टॉर्चेस, ट्रांजिस्टर्स, टॉयज, टीवी रिमोट कंट्रोल्स यूज बैटरीज। इन सारे डिवाइसेस में बैटरी की ज़रूरत पड़ती है। हाउ एवर इन सम ऑफ दीज डिवाइसेज द इलेक्ट्रिक सेल आर नॉट ऑलवेज प्लेस्ड वन आफ्टर द अदर एज शोन फिगर 14.2। लेकिन कईयों में हमें ऐसे ही लगातार एक के बाद एक लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सम द सेल्स आर प्लेस्ड साइड बाई साइड, कुछ में तो हमें आगे पीछे लगाने पड़ते हैं, लेकिन जबकि कुछ में साइड में लगाने पड़ते हैं हमें सेल्स।
देन हाउ आर द टर्मिनल्स ऑफ द सेल कनेक्टेड, तो उनके टर्मिनल कैसे कनेक्ट होते हैं. लुक एट लुक केयरफुली इनसाइड द बैटरी कंपार्टमेंट ऑफ एनी डिवाइस, किसी भी डिवाइस के बैटरी कंपार्टमेंट में आप ध्यान से देखो. देयर इज यूजुअली अ थिक वायर और अ मेटल स्ट्रिप कनेक्टिंग द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ नेक्स्ट सेल. तो उसमें एक थिक वायर होता है या फिर मेटल स्ट्रिप होती है जो एक के पॉजिटिव टर्मिनल को दूसरे के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करता है. जैसे इसमें दिखाया हुआ है, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से कनेक्ट हो रहा है, इसका नेगेटिव, और जैसे अगर ये कनेक्ट होगा तो ये कहाँ दूसरे के पॉजिटिव से कनेक्ट होगा. इन ऑर्डर टू हेल्प यू टू प्लेस द सेल करेक्टली इन द बैटरी कंपार्टमेंट, प्लस एंड माइनस सिंबल्स आर यूजली प्रिंटेड देयर. तो आपको ध्यान रहे कि आप सही बैटरी लगाओ उसमें, तो प्लस और माइनस साइन दिए हुए होते हैं. प्लस मतलब पॉजिटिव उसका टर्मिनल और माइनस मतलब नेगेटिव टर्मिनल. हाउ कैन वी कैन नॉट कनेक्ट द सेल्स टू प्रपेयर बैटरीज फॉर आवर एक्टिविटीज़. तो हमारी एक्टिविटीज़ के लिए हम कैसे बैटरीज प्रपेयर करेंगे. यू मे मेक अ सेल होल्डर एज शोन इन फिगर 14.4 यूजिंग अ वुडन ब्लॉक, टू आयरन स्ट्रिप्स एंड रबर बैंड्स. इनसे आप वुडन ब्लॉक, आयरन स्ट्रिप और रबर बैंड, इनसे आप एक सेल होल्डर बना सकते हो. इट इज़ नेसेसरी दैट द रबर बैंड होल्ड्स द मेटल स्ट्रिप टाइटली. ये ज़रूरी है कि जो रबर बैंड है वो टाइटली इन इस मेटल स्ट्रिप्स को जोड़ के रखे. यू कुड ऑल्सो बाय सेल होल्डर फ्रॉम मार्केट बाय मेकिंग बैटरीज ऑफ टू और मोर इलेक्ट्रिक सेल. आप मार्केट से भी सेल होल्डर बाय कर सकते हो, खरीद सकते हो. प्लेस द सेल्स इन देम प्रॉपरली, उसके अंदर सेल्स को प्रॉपरली रखो. सच दैट द पॉजिटिव टर्मिनल of one cell is connected to the negative terminal of the next cell. इस तरीके से हमें कनेक्ट करना है कि एक का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट रहे. कनेक्ट अ पीस ऑफ वायर ईच टू द टू मेटल क्लिप्स ऑन द सेल होल्डर एज शोन इन फिगर 14.5. अब आपको क्या करना है, एक वायर का पीस लेना है और वायर का पीस मेटल क्लिप से सेल होल्डर पर आपको जोड़ देना है, जैसे इसमें दिखा रखा है. लेट अस नाउ ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रिक सेल यूजिंग सिंबल्स. अब आपको इलेक्ट्रिक सिंबल यूज करके डायग्राम ड्रॉ करना है. आपको एक एक्टिविटी दी हुई है इधर. इसमें आपको एक सर्किट बनाना है, स्मॉल सा सर्किट बनाना है, इलेक्ट्रिक सर्किट. और उसमें आपको ऑन पोजीशन का भी दिखाना है, मतलब ये दिखाना है कि बल्ब किस सिचुएशन में ऑन होता है और किस सिचुएशन में बल्ब ऑफ होता है. और फिर आपको उस सर्किट को यूज़ करके देखना है कि आपने जो सिचुएशन दिखाई है ऑन होने की, उसमें बल्ब जल रहा है या नहीं जल रहा, और अगर जो ऑफ वाली सिचुएशन है उसमें बल्ब ऑफ हो रहा है या नहीं हो रहा. तो अगर हम इस डायग्राम्स का यूज़ करते हैं तो हमारा जो सर्किट बनाना है वो ज़्यादा ईजी हो जाता है, बजाय प्रॉपर उस चीज़ को ड्रॉ करके. सिम्बल्स से हम ज़्यादा ईजीली हम किसी भी सर्किट को ड्रॉ कर सकते हैं. सो इन द बल्ब देयर इज़ अ थिन वायर. बल्ब में एक पतला वायर होता है अंदर की तरफ, कॉल्ड फिलामेंट विच ग्लोज वैन एन इलेक्ट्रिक सर्किट पासिस थ्रू इट. और वो कब जलता है, कब वो फिलामेंट ग्लो करता है, जब उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है. वैन द बल्ब गेट फ्यूज, जब बल्ब फ्यूज हो जाता है, इट्स फिलामेंट इज़ ब्रोकन. तो मतलब क्या है उसका, कि उसका फिलामेंट ब्रोक हो गया है, टूट गया है. If the filament of bulb is broken, अगर उसका filament टूटा हुआ है, would the circuit be complete? तो क्या वो circuit complete होगा? नहीं, वो circuit complete नहीं होगा. क्यों? क्योंकि जो उसमें electric current है वो broken filament जो है वहाँ पर ख़त्म हो जाएगा. वो circuit आपस में connect नहीं है, इसलिए वो circuit complete नहीं होगा. Would the bulb still glow? क्या वो bulb तब भी जलेगा? You might have noticed that a glowing electricity bulb become warm. जो electric bulb होता है वो गर्म हो जाता है. ऐसा क्यों होता है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट का एक इफेक्ट होता है हीटिंग इफेक्ट, उसके बारे में पढ़ेंगे हम. एक्टिविटी 14.3, मेक अ सर्किट. एक आपको सर्किट बनाना है. टेक अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग पीस ऑफ नाइक्रोम वायर एंड टाई इट बिटवीन टू नेल्स. दो कीलों के बीच में नाइक्रोम का वायर बांध देना है आपको.
टच द वायर नाउ स्विच ऑन द करंट इन द सर्किट बाय मूविंग द स्विच ऑन पोजिशन। आपको जो आप इसमें आपने स्विच बनाया है उसको यूज़ करके आप इसमें करंट को फ्लो करो। आफ्टर अ फ्यू सेकेंड्स, कुछ सेकेंड के बाद टच द वायर, टच उसको टच करके देखो वायर को, ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं करना है, सिर्फ टच करके देखना है हल्का सा। नाउ स्विच ऑफ द करंट, अब टच द वायर अगेन आफ्टर अ फ्यू मिनट्स, अब कुछ देर बाद फिर से उस वायर को टच करके देखो। द वायर गेट्स हॉट व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू इट, तो वो वायर जो है वो गर्म हो जाता है जब उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। दिस इज़ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कैन यू थिंक ऑफ एनी इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेज अप्लाइंस वेयर द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इज़ यूज। ऐसा कोई अप्लाइंस आपके दिमाग में आ रहा है जिसमें हीटिंग इफेक्ट यूज़ होता है? मेक अ लिस्ट ऑफ सच अप्लाइंसेज, ऐसे अप्लाइंसेज की लिस्ट बनानी है। एक तो जैसे ये सिगड़ी है, एक वाटर हीटर है, इन सब में ऐसे अप्लाइंसेज यूज़ होते हैं। आपका जो माइक्रोवेव वगैरह होते हैं उसमें भी यही हीटिंग इफेक्ट ही यूज़ होता है। यू माइट हैव सीन एन इलेक्ट्रिक रूम हीटर और एन इलेक्ट्रिक हीटर यूज फॉर कुकिंग। ऑल दिस कंटेन अ कॉयल ऑफ वायर, इन सब में क्या होता है, वायर का कॉयल होता है। दिस कॉयल ऑफ वायर इज कॉल्ड एन एलिमेंट, इस कॉयल को क्या बोलते हैं, एलिमेंट। यू मे हैव नोटिस दैट वैन दीज अप्लाइंसेज आर स्विच्ड ऑन, जब इन अप्लाइंसेज का स्विच ऑन होता है, आफ्टर कनेक्टिंग टू द इलेक्ट्रिक सप्लाई, इलेक्ट्रिक सप्लाई को कनेक्ट होने के बाद में देयर एलिमेंट्स बिकम रेड हॉट एंड गिव आउट हीट, तो इनके जो एलिमेंट्स हैं वो गर्म हो जाते हैं, सॉरी लाल हो जाते हैं, लाल बिल्कुल लाल होकर गर्म हो जाते हैं और हीट देने लगते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन अ वायर डिपेंड्स ऑन इट्स मटीरियल लेंथ एंड थिकनेस, वो जो वायर है वो कितने अमाउंट में हीट देता है वो डिपेंड करता है इसके मटेरियल पे, लेंथ पे और इसकी थिकनेस पे। दस फॉर डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स, अलग अलग रिक्वायरमेंट के लिए द वायर ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स एंड डिफरेंट लेंथ एंड थिकनेस आर यूज, तो हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम अलग अलग मटीरियल के, अलग अलग लेंथ के और अलग अलग थिकनेस के वायर्स को यूज़ करते हैं। द वायर यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक करंट डू नॉट नॉर्मली बिकम हॉट, नॉर्मली जो वायर्स यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक सर्किट में, वो नॉर्मली गर्म नहीं होते हैं। ऑन द अदर हैंड द एलिमेंट्स ऑफ सम इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेज बिकम सो हॉट दैट दे आर इजुअली विजिबल, जबकि कुछ कुछ वायर्स के एलिमेंट इस तरीके के होते हैं, कुछ अप्लाइंसेस के एलिमेंट इस तरीके से होते हैं कि वो इतने गर्म हो जाते हैं कि हम उनको गर्म होना ईजिली देख सकते हैं। The filament of an electric bulb gets heated to such a high temperature that it start glowing, तो बल्ब का फिलामेंट भी उस लिमिट तक गर्म हो जाता है कि वो चमकना शुरू कर देता है। If a large current pass through a wire, अगर एक बहुत ज़्यादा current wire के through pass कर रहे हैं हम, the wire may become so hot that it may have even melt and break, तो अगर बहुत ज़्यादा current उसमें से pass हो जाता है तो वो wire भी इतना गर्म हो सकता है कि वो पिघल सकता है और टूट सकता है। But is it possible for a wire to melt and break, क्या ऐसा possible है? अब उसकी एक्टिविटी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।